तो चलिए दोस्तों, फाइनली पोको C3 यहाँ पर लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और इसके काफ़ी दिनों से रूमर्स और टीजर्स वगैरह लेके निकल के आ रहे थे। और इस फ़ोन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको फ़ोन को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, या फिर इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं, स्पेसिफिकेशन कैसी है, बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, ऑन द पेपर परफॉर्मेंस इस फ़ोन की कैसे रहने वाली, सब के बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों फाइनली पोको C3 जो है ना, उसकी जो फर्स्ट सेल है वो यहाँ पर 16 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन बिग बिलियन डे शुरू होगा फ्लिपकार्ट पर, उसी दिन शुरू होने वाली है। दोपहर में शायद 12 बजे यहाँ पर 16 अक्टूबर को सेल है इसकी, और ऐसे में इसकी जो कीमत है 332 GB जो है ना, उसकी 7,500 रुपये है, और 664 जो GB रैम वेरियंट वाला है, जो स्टोरेज वेरियंट वाला, उसकी कीमत यहाँ पर रखी गई है 9,000। तो ऐसे में अब प्राइस तो आपको पता पड़ गया है, लेकिन अब की इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और स्पेसिफिकेशन वाइज ये फ़ोन आपको कैसा रहेगा वो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले नज़र आती है स्पेसिफिकेशन पर, इसके हाईलाइट पर। तो इस फ़ोन में 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इसके अलावा बात करें यहाँ पर चिपसेट की, तो इसमें मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट दिया गया है जो ठीक ठाक काम करता है, और दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 332 GB और 664 GB जो स्टोरेज वेरिएंट है, दो लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की जो है ना पावरफुल बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग यहां पर नहीं दी जाती है। इसके अलावा कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर 13+2+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, और 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच में। तो दोस्तों ये हो गई है इस फ़ोन की हाईलाइट, और बाद बाकी जो सेंसर वगैरह हैं वो तो सब इस फ़ोन में मिल ही जाते हैं। तो 7,500 रुपये में 332 GB और यहाँ पर 9,000 रुपये में 664 GB मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से विकल्प हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि सेल के दौरान इस फ़ोन पर कोई भी फ्लैट डिस्काउंट नहीं आएगा। फ्लैट डिस्काउंट किन किन फ़ोन्स पे आने वाला है उनके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वाले वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं यहां पर, कि जब अभी कुछ कुछ फ़ोन्स के जो डिस्काउंट हैं वो रिवील्ड कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं, तो हमको पता पड़ गया कौन से फ़ोन पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिनका डिस्काउंट आना बाकी है, तो जैसे ही सारे के सारे फ़ोन्स का डिस्काउंट आ जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस प्राइस सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं यहां पर कि इस फ़ोन के जो विकल्प हैं वो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे। यहां पर कीमत जो है ना 9,000 रुपये के आसपास की बात करें तो 10,000 रुपये में जो है ना Redmi 9 Prime वगैरह मिल जाएगा, वो भी अच्छा फ़ोन है। और यहाँ पर 8,500 रुपये में आपको मिल जाएगा जो है ना Narzo 20A, ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं आप इस फ़ोन के साथ जाइए, क्योंकि G35 चिपसेट जो है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और कंपटीशन वाइज देखा जाए तो 665 चिपसेट थोड़ा पुराना है जो Narzo 20A में आता है, लेकिन वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है, तो वहाँ पर उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है, हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए आप इस फ़ोन के लिए अभी इतना परेशान मत होइए, अभी देख लीजिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा इस बार डिस्काउंट फ़ोन्स पे मिल रहा है। जैसे ही अभी मैं यहाँ पर ये फाइनल नहीं कह सकता हूँ कि इस फ़ोन को ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है बिग बिलियन डेज में, लेकिन जैसे ही सारे के सारे फ़ोन्स का जो डिस्काउंट है वो फ्लिपकार्ट पर दिखा देगा, तो उसके बाद मैं वीडियो वहाँ पर बना दूंगा, और ऐसे में वहीं पर मैं फ़ाइनल बता दूंगा कि आपको किस प्राइस में, किस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन ख़रीदना है, और रियल यानी कि पोको C3 ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, वो भी वहाँ पर मैं फ़ाइनल बता दूंगा। ऐसे में आप मुझे कमेंट करके ये बताइए पोको की तरफ से लॉन्च किया जाने वाला पहला फ़ोन कौन सा था, कमेंट करके हमको एक बार बताइए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।